हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एच फ्लैश टूल के बारे में, जो एक मैकेनिक फ्लैश टूल है जो आपको 3 महीने फ्री एक्टिवेशन के साथ मिल रहा है। दोस्तों तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और दोस्तों आपको वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो, अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो हम सीख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने ये पेज खुल जाएगा जो आप देख रहे हो। ओके दोस्तों, देख रहे दोस्तों इसमें कुछ जापानी सा लिखा हुआ है। अब देख रहे दोस्तों ये फ्री एक्टिवेशन टूल, ठीक है दोस्तों। तो आपको इससे नीचे जाना है दोस्तों, आप जैसे जैसे नीचे आओगे दोस्तों आपको मिलता जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस टूल में आपको बहुत सी चीज़ फ्री में मिल जाएगी दोस्तों। जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 3 महीने के लिए फ्री है, उसके बाद शायद आपको लगेगा। जब तक फ्री मिल रहे हैं आप उसे यूज कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों हमें नीचे आने के बाद ये आप देख रहे हो डाउनलोड का ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा डाउनलोड नाउ मैकेनिक फ्री असिस्टेंट। तो दोस्तों चलो हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपके सामने ये दूसरा पेज खुल के ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, चलिए सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, दोस्तों सबसे पहले यहाँ देख रहे हो मैकेनिक असिस्टेंट डाउनलोड ऑल फाइल। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। जब तक डाउनलोड ना हो तब तक आप वेट करें दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हो हमारा डाउनलोड हो गया दोस्तों। अब हम आपको क्रॉप भी 3 डॉट तो दिख रहा होगा, जो कोने में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, वहां पे क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों अब यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड, आप देख रहे हो हमारे डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे सो इन फोल्डर। देखिए दोस्तों ये हमारा यहाँ है जो फाइल लोकेशन में लोकेशन दिखा रहा है डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे दोस्तों। अब हम इसको हाइड करेंगे। अब हम इसको डेस्कटॉप में पेस्ट कर देंगे दोस्तों। और देख पा रहे होंगे ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 11 MB का है दोस्तों। अब हम दोस्तों यहाँ पे इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फाइल को, एक्सट्रैक्ट हियर। देख रहे हैं
ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ओपन करेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रही होगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ है ये रहा एप्लीकेशन, इससे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ है रन, रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंटर अकाउंट नंबर, इंटर पासवर्ड और सिलेक्ट लैंग्वेज। दोस्तों अकाउंट लॉगिन नहीं कर रखा है तो हम इसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब रजिस्टर करके हम, जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक हैं हमारे सामने ये पेज आप देख रहे होंगे खुल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये पेज खुल गया। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल वेरीफाई कोड और पासवर्ड ये डालना होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे जापानीज में लिखा हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज भी है। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले अपना जी मेल आई डी भरेंगे, सॉरी दोस्तों, पहले यहाँ पे हमें यूजर नेम डालना है, कोई भी यूजर नेम हम डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने यूजर नेम डाल दिया और ना जीमेल आईडी डाल दिया। अब गेट वेरीफाई कोड पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सेकेंड चल रहा है, तो जब तक सेकेंड चल रहा है आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपके जीमेल आईडी में कोड आ जाए तो आप डाल दें। ओके दोस्तों, तो लेट्स वेट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने अपना ओटीपी डाल दिया। आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। ओके दोस्तों, अब आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिखा रहा होगा यूजर नेम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस अपने डेस्कटॉप में जाना है। ठीक है दोस्तों, अब अभी अपने जो भी पासवर्ड बनाया हो, यूजर आईडी जो भी आपका हो आप वो डाल दो दोस्तों। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना यूजर नेम, यहाँ पे अपना पासवर्ड और यहाँ पे अपना लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश सही है दोस्तों। ओके, अब हमको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख रहे हो लॉगिन मेरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो लॉगिन मेरा हो गया है और यहाँ पे खुल के आ गया दोस्तों। और देख रहे हो आई पी, सैमसंग, एच ओ, जियोमी, ओप्पो, वीवो, मोटो, एल जी, इन सबका आपको डायग्राम मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये देखो, तो एक बात का ध्यान देना है यहाँ पे दोस्तों, आप इसमें से कोई भी जो भी ड्रॉइंग है आपको खोल नहीं पाएंगे। पहले आपको एक चीज़ करना होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों पर्सनल सेंटर, वैसे तो वहाँ पर्सनल, हाँ सेंटर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों।
जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, ये आपका यूजर आईडी अनरजिस्ट्रेशन दिखा रहा है दोस्तों। तो आपको ये बारकोड फ़ोटो खींच के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा, उस पर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेंड करोगे वो आपको 3 मंथ का एक्टिवेशन करके आपको भेज देगा, और उसके बाद आप उसको आसानी से खोल के आप इसका लाभ उठा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मेरा एक्टिवेशन हो गया है। मैंने आपसे जैसे आपसे कहा था कि जिस नंबर पे व्हाट्सअप करना है फ़ोटो खींच के, मैंने व्हाट्सअप कर दिया था, और मुझे लगभग 2 घंटे बाद मेरा एक्टिवेशन हो गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये ऑनलाइन काम करता है तो आपका नेट ऑन होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देख लो यहाँ मेरा एक्टिवेट हो गया है। मेरा एक्सपायरी डेट है 5/5/8, ठीक है दोस्तों, मतलब 3 महीने के लिए मेरा एक्टिवेट हो गया है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप भी एक्टिवेट कर लो, बाकी आपको सारा प्रोसेस तो बता ही दिया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई वीडियो आते जो भी नई वीडियो आप में डालूंगा आपको आपके पास अपडेट आता रहे। दोस्तों चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका यूज़ क्या क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए आईपैड, आईपैड सैमसंग, जियोमी, मैं आपको जियोमी को दिखाता हूँ दोस्तों। जियोमी को बहुत सारे मॉडल हैं यहाँ पर, 4:30 में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोलता हूँ, इसे खोल रहा है दोस्तों, ये खुल गया, ये रहा आपके सामने दोस्तों। जैसे कि थोड़ा उड़ा कर लेते हैं इसको, दोस्तों आप देख पा रहे हो ये खुल गया हमारे सामने। तो ऐसे बहुत से मॉडल हैं, जो भी आपका मॉडल है आप उससे क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो इसमें आप देख रहे हो दोनों चीज़ें, इसका वायरिंग डायग्राम भी है और इसकी पूरी आईसी डिटेल, पूरी बोर्ड का डिटेल है दोस्तों, कौन सा कनेक्शन कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, अब इसे आसानी से पता कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ से घूम सकता है, जैसे भी घुमा लो दोस्तों। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देख रहे हो डिवाइस नेम, एक एक फाट का नाम ये बता रही है। जैसे कि ये हमें ये देखो, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, ये अब देखो इसका पूरे डाटा आ जाता है, ये कहाँ कहाँ कनेक्ट है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है दोस्त, देख रहे हो कहाँ कहाँ कनेक्ट है, सारा बता जाता है इसमें। तो इसे बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्त, आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा दोस्तों। जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन है ये। तो चलो आप जल्द से जल्द इसका एक्टिवेट कर ले दोस्तों, बाकी तो आपको बता दिया प्रोसेस क्या है। चलिए धन्यवाद।